तो जॉनी बेस्टो की रिप्लेसमेंट तो आ चुकी है, लेकिन पंजाब किंग्स की ओवरऑल प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, आइए बताएंगे आपको आज की वीडियो में। बताएंगे आपको शिखर धवन के साथ कौन करेगा ओपन और डेथ बॉलिंग की कमान किन के हाथों में रहेगी। नंबर 3 नंबर 4 पर आपको कौन खेलता हुआ नजर आएगा, पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे आज की वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो आपको शुरुआत करते हैं ओपनर्स से, ओपनर्स आखिर पंजाब किंग्स के क्या रहने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले ओपनिंग की, तो ओपनर्स के लिए आपको शिखर धवन एक स्लॉट कन्फर्म नज़र आता है, वो इनके कप्तान भी होने वाले हैं। और उनका साथ कौन होगा, एम शॉर्ट को इन्होंने साइन किया है जॉनी बेस्टो के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन मेरे हिसाब से सिकंदर रजा को खिलाना चाहिए क्योंकि स्पिन बॉलिंग खेलने का उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है और वो अच्छे से कमांड कर सकते हैं स्पिनरों को। तो ये मेरे हिसाब से ओपनर रहने वाले हैं। हो सकता है पंजाब किंग्स की टीम एम शॉर्ट से ओपन करा ले अलॉन्ग विद शिखर धवन। नंबर 3 ये एक मसला है जो कि पंजाब किंग्स की टीम हल करना चाहेगी। आखिर नंबर 3 नंबर 4 पर कौन खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आपको मे बी शाहरुख खान खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 की तरफ चलें, नंबर 4 पर 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहले प्रभ सिमरन सिंह, दूसरे हैं राज बाबा, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 पर कौन खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर 5 पर आपको दिख जाएंगे लियाम लिविंगस्टोन। नंबर 6 पर जितेश शर्मा की एंट्री इस टीम में होने वाली है। नंबर 7 पर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री के सैम करन, जो कि नंबर 7 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 की बात करें, नंबर 8 पर आपको दिख जाएंगे यहां पर ऋषि धवन। नंबर 9 पर आपको देखेंगे कलेश्वर अवाड़ा। नंबर 10 पर आपको दिख जाएंगे राहुल चार। और नंबर 11 पर आपको दिख जाएंगे अर्शदीप सिंह। ये इस टीम की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अगर बात करें इनके लिए वो 12th मैन की, कौन रहेगा इनका सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, तो 12th मैन के तौर पर यह टीम राज बाबा को इस्तेमाल कर सकती है। राज बाबा प्रभ सिमरन सिंह नंबर 4 पर खेलेगा, जो नहीं खेलेगा वो 12th मैन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हरप्रीत बरार भी एक ऑप्शन रहने वाले हैं। ये दो प्लेयर होने वाले हैं जो आपको मे बी 12th मैन का काम करते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद इस टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन गेटर कौन होने वाला है, तो मेरे हिसाब से इस टीम के कप्तान शिखर धवन ही इस टीम के सबसे ज़्यादा रन गेटर नज़र आएंगे। इसके बाद अगर बात करें इनके बॉलर्स की, आखिर हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेगा, मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी होने वाले हैं। सो गाइस, ये रहा पंजाब किंग्स का इस साल का प्रीव्यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।